हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गाइडर अखिलेश क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा जीके सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो या अदर कोई स्टेट वाइज एग्ज़ाम हो, सब में यहाँ से प्रश्न तो आते ही आते हैं। चलिए दोस्तों, उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय। तो पहला संगठन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका स्थापना वर्ष जो है 1919 है और इसका मुख्यालय अगर देखें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला जो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन है। इसका स्थापना वर्ष 1945 है। इसका मुख्यालय रोम इटली में पड़ता है। अगला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इसका स्थापना वर्ष अगर देखें तो 1945 है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। अगला संगठन है विश्व बैंक। इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC यानी USA में है। अगला संगठन है यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अगला संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला जो दिया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसकी स्थापना 1957 में होती है और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना 1967 में होती है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे कुछ प्रमुख संगठन दिए हैं। इसमें दिया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। इसकी स्थापना 1977 में हुई। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। अगला है संगठन विश्व व्यापार संगठन WTO। इसकी स्थापना 1995 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला यूरोपीय संघ। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला नाटो। नाटो की स्थापना 1949 में हुई इसकी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 1966 में होती है। मनीला फिलीपींस में जो पड़ता है इसका मुख्यालय है। आसियान। इसकी स्थापना 1967 में होती है और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है। सार्क। इसकी स्थापना होती है 1985 में। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। आगे है ओपेक। ओपेक की स्थापना जो होती है 1960 में होती है और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। गुट निरपेक्ष, ये एक संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में होती है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में होती है। तो दोस्तों, इसमें हमारे द्वारा वे सभी महत्वपूर्ण संगठन जितने भी हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं हमारे द्वारा सभी पढ़ा दिए गए हैं। इससे बाहर कोई भी संगठन आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल को आप सभी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कर दें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।